morning, friends. In previous video, we have learned about the double column cash book with cash and bank column. हमने cash और bank column के साथ double column cash book को maintain किया था. अब next जो है हमारा कि preparation of double column cash book with cash and bank column with GST transaction. Means GST transaction के साथ हम transaction को कैसे maintain करेंगे? उसके regarding आपको इसमें illustrations करनी है. आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 6 गिवन है. इलस्ट्रेशन नंबर 6 में एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द फॉलोइंग कैश बुक. फर्स्ट है मे 1st, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 25,000. कैश इन हैंड मींस द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस मंथ. इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है? अमाउंटिंग रुपीज 8,000 ऑन मे 1st. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे 1st टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी. कैश का अमाउंट कितना है आपका? कैश का अमाउंट है 8,000. तो 8,000 रुपीज आप कैश वाले कॉलम में मेंटेन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमिलर इसी डेट को बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस ऑफ योर कैश फ्लो. नेगेटिव बैलेंस मींस यू विथड्रॉ द एक्सेस अमाउंट देन योर अकाउंट बैलेंस. मींस आपने जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे एक्सेस अमाउंट में विथड्रॉ कर लिया है तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है. पॉजिटिव बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नेम से आता है. तो नेगेटिव बैलेंस किस नेम से आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा सिमिलर नेम से. मे 1st बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी और कितना ओवरड्राफ्ट है आपका? ओवरड्राफ्ट है आपका 25,000 रुपीज आप यहां लिखेंगे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन मे 3rd सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ रुपीज 4,000 प्लस 12% जीएसटी अगेंस्ट चेक एंड इट वॉज पेड इन टू द बैंक. आपने गोपाल को 4,000 रुपीज का चेक पे किया क्योंकि आपने उससे गुड्स परचेज आपने उसने आपको गुड्स पे किया है क्योंकि आपने गुड्स सेल किया है गोपाल को 4,000 का और आईजीएसटी चार्ज करनी है. सेल किया है मींस इट इज ए इनकम. इनकम मींस क्रेडिट डेबिट साइड में आएगा मे 3rd टू सेल्स अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट आप क्या लिखेंगे? जितना आपने जो अमाउंट है चेक से वो कितना मिला है? 4,000 तो सेल का है प्लस आपको आईजीएसटी भी रिसीव हुई होगी. तो ये भी आप यहां पर सिमिलर डेट पे लिखाएंगे टू आईजीएसटी. टू आउटपुट ऑफ सेल के टाइम पे आपको क्या मिलता है? आउटपुट. तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,000 रुपीज का 12% कितना हो जाएगा? 480 रुपीज 480 रुपए ये अमाउंट हो जाएगा आपका आउटपुट आईजीएसटी का. क्लियर? Now the next one is on May 5th, sold goods against check which was bank 5,000 plus CGST and SGST 6% each. Similar, ये भी आपकी सेल है और आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है. इनकम आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड. तो सेम मे 5th आपका ये 5th है और यहां पे आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और कितने अमाउंट का आपने सेल किया है? 5,000 रुपीज का. 5,000 रुपीज का आपने सेल किया है और इस पर 6% के रेट से आपको जीएसटी चार्ज करनी है. तो ये भी आपके लिए इनकम होगी. टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी और आपको 6% 5,000 रुपीज का कितना हो जाएगा? 300 रुपीज ईच. ये अमाउंट आपका हो जाएगा एसजीएसटी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन मे 9 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमर एंड पेड इनटू बैंक डिस्काउंट अलाउड 207,800. आपको चेक रिसीव हुआ है अमर से तो ये भी इनकम है आपके लिए. ये कब की है? मे 9th को. तो मे 9th और टू अमर यहां पे आपको अमर लिखेंगे. कितने अमाउंट का चेक रिसीव हुआ है आपको? 7,800 और 200 रुपीज डिस्काउंट है. ठीक है? क्योंकि आपने सिमिलर डेट को आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर भी लिया है इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज मे 11
bought goods from Ram on credit 15,000 plus IGST at the rate of 12%. आपने राम से गुड्स परचेज किया 15,000 का 12% जीएसटी पर, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, इट मींस इसकी रिकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन May 13 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन 16,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000। लेकिन क्योंकि कैश और बैंक का कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, डिस्काउंट का कर नहीं रहे, इसलिए डिस्काउंट की आपको कोई भी एंट्री करने की नीड नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में आपको चेक रिसीव हुआ है मोहन से 16,000 का और डिस्काउंट की है 1,000, पर ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, मीन्स इसकी भी आप कोई भी एंट्री अपनी बुक में पास नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 15th of May को है, इंडोर्स चेक रिसीव फ्रॉम मोहन टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी जो चेक हमें मोहन से रिसीव हुआ था वो चेक हमने राम को पेमेंट में ले लिया, इसे इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट मीन्स किसी और से लेकर किसी और को पे कर देना, ये चीज इंडोर्समेंट कहलाती है। तो यानी चेक हमारे पास तो आया ही, हमारे बैंक में तो गया ही नहीं, हमने किसी से लिया, किसी और को दे दिया, यानी इस ट्रांजेक्शन की भी आप अपनी बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन May 17 बॉट फर्नीचर ऑफ 4,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेड कैरिज ₹200। हमने फर्नीचर परचेज किया 4,000 रुपीज का और हमने उस पर जीएसटी पे की है, CGST और SGST। पेमेंट हमने कैश में किया है, तो देखिए पेमेंट हुआ है तो ये यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में, May 17 को है। क्या परचेज किया है? फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने अमाउंट का है? 4,000 कैश में, कोई चेक नहीं मेंशन नहीं है। 6% CGST है, May 17 को ही। और परचेज पे क्या लगता है? इनपुट CGST अकाउंट और सिमिलर डेट को इनपुट SGST अकाउंट। 4,000 रुपीज का 6% कितना हो जाएगा? 240 रुपीज ईच CGST और SGST। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन 18th of May गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹6,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। यानी यहां पे हमने फिर गुड सेल किया है तो यानी इनकम हुई होगी हमको यहां पर, ये आएगा May 18 को टू सेल्स अकाउंट। और कितने अमाउंट का गुड सेल किया है हमने? कैश बेसिस पे सेल किया है हमने 6,000 रुपीज का। अब देखिए सेल करने के लिए GST लगेगी, कौन सी? आउटपुट, ये भी रिसीव होगी तो डेबिट में ही आएगी। टू आउटपुट SGST अकाउंट और टू आउटपुट CGST अकाउंट। और देखिए 6% का 6%, 6,000 का 6%, यानी 360 रुपीज ईच, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा CGST और SGST का। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन May 19 चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर गोपाल इन आवर बैंक अकाउंट 3,000। गोपाल कोई हमारा कस्टमर था और उसने हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दिया 3,000 का, मीन हमारे लिए तो इनकम ही हुई, तो इनकम लिखेंगे हम इस डेट क्रेडिट डेबिट साइड में। ऑन मे ये आएगा 19, किसने दिया है? गोपाल ने, तो टू गोपाल और बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन May 21 पेड इलेक्ट्रिसिटी 1,000 एंड चैरिटी 500 रुपीज। सिंपल एक्सपेंस है और ये RCM है, इसमें कोई आपका GST चार्ज होता नहीं है, तो ये आएगा May 21 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बाय चैरिटी। और आपने सिंपल कैश में पे किया, कोई चेक वगैरह नहीं यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी 1,000 पे की है, 500 रुपीज की आपने चैरिटी पे की है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑन May 22 पेड फॉर स्टेशनरी 672 इंक्लूडिंग GST 6% ईच। देखिए 6% CGST, 6% SGST, टोटल कितना? 12।
इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट पे करने के लिए जितना 672 × 100 / 112 यानी 100 प्लस रेट, तो 112 से ये 6 × 600 यानी 672 में केवल स्टेशनरी का अमाउंट 600 है, 72 जीएसटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप May 22 और May 22 को आप डालेंगे स्टेशनरी परचेज की है, तो बाय स्टेशनरी और स्टेशनरी का अमाउंट 600, ठीक है, 600 रुपीज यहां पर, और इसी पर आप लिखेंगे बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी और यहां पर डालेंगे 36 रुपीज में आधा जीएसटी सीजीएसटी है और आधा एसजीएसटी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज की, हमारे लिए एक्सपेंस है, मीन्स क्रेडिट साइड में आएगा, तो मे और ये किस डेट को आएगा, May 23 बाय बैंक चार्जेस और ये अमाउंट आएगा कितना, ये अमाउंट आएगा ₹600, बैंक ने कट किया है तो बैंक वाले कॉलम में ₹600। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 25th मे विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए कैश विथड्रॉ किया, मैंने बताया था अगर हम कैश विथड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज के लिए तो ये हमारे लिए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, हमारे पास कैश आ रहा है तो मीन्स वॉट कम्स इन डेबिट, तो कैश डेबिट में आएगा और देने वाला कौन है, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, टू में क्या आया बैंक, तो आप यहां लिखेंगे May 25 टू बैंक अकाउंट, बैंक लिखा है तो अकाउंट कहां डालेंगे, कैश वाले कॉलम में, कितना किया है आपने 3000 और यहां लिख देंगे सी यानी कॉन्ट्रा, अगर टू में बैंक है तो बाय में क्या आएगा, बाय में अमाउंट आएगा बाय कैश अकाउंट और कैश लिखा है तो अमाउंट डालेंगे हम बैंक वाले कॉलम में 3000 रुपीज, यहां पर सी लिख देंगे मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेक रिसीव फ्रॉम ललित एंड इंडोर्स टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5400, मतलब कोई हमारा कस्टमर था ललित, उससे हमें चेक मिला और हमने उसे राम को पे कर दिया फुल सेटलमेंट में, सिमिलर जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी और से चेक मिला और हमने किसी और को पे कर दिया, तो मींस हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, यानी इसकी भी हम अपनी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे, जब हमारे बैंक में डिपॉजिट होता उसके बाद हमें इसकी एंट्री करनी थी, लेकिन हमने तो सीधे किसी से लेकर किसी थर्ड पर्सन को पे कर दिया, इसलिए इस ट्रांजेक्शन की आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन May 30 साइकिल परचेज बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन सन इंक्लूडिंग GST 1500, 1500 रुपए की हमने एक साइकिल अपने बेटे के लिए परचेज की, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, यानी क्या हुआ ड्रॉइंग, तो यानी ये आप लिखेंगे ऑन May 30 बाय ड्रॉइंग और यहां पे आप डालेंगे 1500, टोटल अमाउंट आपको लगाना है, जीएसटी यहां पे मेंशन है नहीं कितना जीएसटी इस पर आपने पे किया है। नाउ द लास्ट वन इज ऑन May 31 बैंक चार्जेस ₹500 पेड रेंट 1000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ₹6% ईच, यानी आपने बैंक चार्जेस बैंक ने कटनी है ₹500, यानी ये एक्सपेंस हुआ, तो May 31 बाय बैंक चार्जेस और ये देंगे आप कितना 500 और आपने एक रेंट पे किया है कितना 1000, ये भी आप लिखेंगे बाय रेंट, पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये आपने बैंक चेक से पे किया है, तो कैश में लिखेंगे आप 1000 प्लस इस पर आपको जीएसटी चार्ज करनी है 6% के रेट से, तो देखिए पेमेंट पर इनपुट लगता है तो बाय इनपुट सीजीएसटी 6% ₹60 और बाय इनपुट एसजीएसटी ये भी ₹60। क्लियर। अब आपको टोटल और बैलेंस निकालना है, देखिए टोटल कहां का ज्यादा है लिख लेते हैं एक बार, कैश का डेबिट कर दीजिए 8000 × 6 = 14 × 3 = 17 17,720 रुपीज,
ये टोटल हो गया। यही पैरेलल हमने यहां पर लिखा, बैंक का देख लीजिए, बैंक का यहां का ज्यादा है 25,28,29,100, बैंक का इधर का ज्यादा है, तो ये हमने यहां पे लिखा 29,100। अब इस 17,720 में ये सारे एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 4,5,6,000, 7,000, 8,000, 8,500, 8,500, 9,000, 10,080, 10,080, 10,080, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ten thousand, 10,000, 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
29,100 में से ये जो बैलेंस आएगा ये आप माइनस करके यहाँ लिखेंगे ना। बैलेंसिंग आपको सेम उसी तरीके से करनी है, बट डिफरेंस ये है कि बैंक में इधर का बैलेंस ज्यादा है और कैश में इधर का। जो ये कैश का बैलेंस आएगा 31 मई के नाम से आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से, और जो बैंक का बैलेंस आएगा ये भी आप यहां लिखेंगे, ये लिखेंगे आप टू बैलेंस बीडी के नेम से, सॉरी सीडी के नेम से, और जो भी बैंक का बैलेंस आएगा वो यहां लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक थी विथ कैश एंड बैंक एंड विथ जीएसटी ट्रांजेक्शन। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा जर्नल एंट्रीज, सॉरी कैश बुक की एंट्रीज नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन की। अब मैं आपको जीएसटी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज के लिए कैश बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपकी बुक में गिवन है, मई 19 को कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। जब आप बैंक में जितना अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। सपोज आपने 10,000 आपके बैंक में थे और आपने 15,000 विड्रॉ कर लिए। करंट अकाउंट होल्डर को ये बैंक फैसिलिटी देती है, तो जो आपने एक्सेस 5,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं वो आपके ओवरड्राफ्ट कहलाएंगे। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है ये आपका। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मे 3 को सोल्ड गुड्स टू गोपी 4,000 प्लस 12% IGST अगेंस्ट चेक एंड इट वॉज पेड इन टू बैंक। हमने गोपी को गुड्स सेल किया 4,000 का 12% IGST पर, मतलब ये किसी दूसरी स्टेट का है, और चेक जो रिसीव हुआ वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मीन्स ये एंट्री की जाएगी जब डिपॉजिट हो रहा है। मई 5 को कह रहा है कि हमने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया और चेक रिसीव किया 5,000, जिसमें CGST और SGST 6% की लगानी है। मीन्स ये सेम स्टेट से हम सेल कर रहे हैं। मई 9 को कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अमर एंड पेड इन टू बैंक। हमें अमर से चेक रिसीव हुआ और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी ये भी हमारी एंट्री की जाएगी। डिस्काउंट अलाउ ही 200 रुपीज। मई 11 को गुड्स परचेज किया हमने राम से क्रेडिट बेस पे 15,000 का, जिसपे GST लगाई हमने। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्लियर कह रहा है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मई 13 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन। मोहन से चेक मिला और डिस्काउंट हमने ऑफर करी, 16,000 का चेक मिला, 1,000 डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड किया। पर ये चेक हमने डिपॉजिट किया है या नहीं किया इसकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो मींस इसकी एंट्री आप अपनी बुक में नहीं करेंगे जब तक चेक डिपॉजिट नहीं हो जाता। मई 15 को कह रहा है एंडोर्स द चेक रिसीव फ्रॉम मोहन टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी हमें जो चेक मिला था मोहन से वो हमने राम को दे दिया पेमेंट में, और इस कंडीशन को हम इंडोर्समेंट बोलते हैं। और इंडोर्समेंट की एंट्री भी हमारी बुक में नहीं की जाती, क्योंकि चेक आया किसी और को दे दिया बैंक में तो वो पहुंचा ही नहीं, तो मींस इसकी एंट्री भी आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 17 फर्नीचर परचेज किया 4,000 का, CGST और SGST 6% की चार्ज करनी है, और कैरिज भी हमने पे की है 200 रुपीज। तो ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री की जाएगी जब हम करेंगे कैश बुक। 18 को गुड्स हमने बेचा है कैश बेसिस पे 6,000, CGST SGST 6% की लगानी है, तो ये भी एंट्री की जाएगी आपकी। नेक्स्ट है 19 का चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर गोपाल इन आवर बैंक अकाउंट। गोपाल कोई कस्टमर था, उसने हमारे अकाउंट में सीधे चेक डिपॉजिट कर दिया 3,000 रुपीज का।
अब नेक्स्ट वन है 21 को इलेक्ट्रिसिटी पे करी है 1000 और चैरिटी 500 रुपीज, तो इसकी भी एंट्री की जाएगी, एक्सपेंसेस हैं। पेड स्टेशनरी 672 रुपीज इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%, यानी हमने 672 का स्टेशनरी का अमाउंट पे किया जिसमें जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड है 6-6% के रेट से। अब 23rd बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज की 600 रुपीज, एक्सपेंस है, शो करेंगे। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 3000 ऑफिस यूज, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री हुई, मैंने आपको बताया था। 27 को गुड्स परचेस किया है राम से 2000 का क्रेडिट बेस पर, कैश बेसिस पे 2000 और क्रेडिट बेस पे 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है चेक रिसीव हुआ है ललित से और इंडोर्स कर दिया राम को फुल सेटलमेंट में, तो मैंने बताया राम से चेक मिला किसी और को दे दिया, ये इंडोर्समेंट की एंट्री हमारी बुक में नहीं होती है। नेक्स्ट है 30th को साइकिल परचेज की है हमने प्रोप्राइटर अपने बेटे के लिए 1500 रुपये की साइकिल अपने बेटे के लिए परचेज की, जीएसटी इंक्लूड है, बेटे के लिए परचेज की मींस पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी। अब लास्ट है बैंक ने 500 रुपये बैंक चार्ज इसके कट कर लिए, हमने रेंट पे किया 1000 जिसमें 6-6% का सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट एडजस्ट करना है, तो ये एंट्री हम पास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैश इन हैंड दे रखा है 8000, प्रीवियस मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो मे 1st को 2 बैलेंस बीडी के नाम से 8000 कैश वाले कॉलम में, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, ये नेगेटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस अगर 2 में आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस बाय में आएगा, तो मे 1st को ही बाय बैलेंस बीडी के नाम से 25000 बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। अब जनवरी 3rd को कह रहा है कि हमने गुड सेल किया 4000 रुपीज का 12% आईजीएसटी पर और चेक रिसीव हुआ जो हमने डिपॉजिट कर दिया, सेल किया गुड्स तो हमको अमाउंट रिसीव होगा, इनकम, इनकम मींस डेबिट में आना चाहिए, तो मे 3rd को देखिए आप 2 सेल्स और 4000 बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि वो चेक से रिसीव हुआ है, जीएसटी भी हमको मिली होगी क्योंकि सेल के टाइम पे जीएसटी कलेक्ट होती है, तो 2 आउटपुट आईजीएसटी क्योंकि सेल पे हम आउटपुट लगाते हैं, 4000 का 12% यानी 480 रुपीज, तो ये हमारा 2 आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का, कैश सेल किया है गुड्स 6% सीजीएसटी पर और 6% एसजीएसटी पर, तो देखिए मे 5th को एंट्री हो रही है 2 सेल्स 5000 रुपीज चेक से हमको रिसीव हुए, आउटपुट सीजीएसटी लगेगी क्योंकि सेल पे आउटपुट लगती है, 2 आउटपुट एसजीएसटी, 6% 5000 का 300 ईच इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मे 9th चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर 7800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, चेक रिसीव हुआ इनकम है, डिपॉजिट कर दिया है बैंक में हमने, तो मे 9th को 2 अमर और 7800 रुपीज बैंक वाले कॉलम में, डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि डिस्काउंट वाला कॉलम यहां पे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है 17 को बॉट फर्नीचर फॉर कैश, कैश बेसिस पे हमने फर्नीचर परचेस किया और 6-6% की इस पे जीएसटी है, परचेज मतलब एक्सपेंस, डेबिट में क्रेडिट नहीं आएगा, क्रेडिट में आएगा। देखिए बाय फर्नीचर 4000, परचेज के टाइम पे हम जीएसटी पे करते हैं तो एक्सपेंस है तो ये भी बाय में आएगा, और परचेज पे हम इनपुट लगाते हैं तो बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी, 4000 का 6% 240 ईच इन एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो ये एंट्री हो गई हमारी फर्नीचर की। नेक्स्ट है 17 को ही कैरिज भी पे किया है हमने फर्नीचर को परचेज करने पे, तो मैंने बताया किसी असेट्स को खरीदने में जो एंट्री होती है वो उसी नेम से रिकॉर्ड होती है असेट्स के नेम से, तो मे 17 को बाय फर्नीचर और कैश वाले कॉलम में 200 रुपीज कैरिज वाले। अब नेक्स्ट है 18th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट 6% आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो देखिए सेल किया तो इनकम हुई, तो 18th को 2 सेल्स के नाम से 6000 रुपीज कैश वाले कॉलम में, 2 आउटपुट सीजीएसटी 360 और आप देखेंगे तो 2 आउटपुट एसजीएसटी 360
कैश वाले कॉलम, क्योंकि हमने कैश बेसिस पे गुड्स को सेल किया है। क्लियर हुआ? तो ये आपकी एंट्री हुई। अब आ रहा है नेक्स्ट जनवरी मई 21 को पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड चैरिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी और चैरिटी का पेमेंट किया है कैश बेसिस पे, तो 21 को देखिए, बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000 कैश वाले कॉलम में और बाय चैरिटी 500 कैश वाले कॉलम में ही, क्योंकि चेक का वर्ड का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है परचेज स्टेशनरी ऑफ 672 रुपीज इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। देखिए मैंने बताया था 12% का अमाउंट इंक्लूड है इसमें, तो कितना होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था जितना आपने एक्सपेंसेस पे किया, यानी 672 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 12 यानी 112, इससे कट गया ये 6 टाइम 6 इंटू 100 यानी 600, यानी जीएसटी को हटाकर स्टेशनरी की वैल्यू केवल 600 रुपीज है। तो जनवरी 22 को बाय स्टेशनरी आएगा यहां पर केवल 600 और 72 हमारा जीएसटी है, जिसमें आधा यानी 36 इनपुट सीजीएसटी है और बाकी का इनपुट एसजीएसटी है 36 रुपीज। क्लियर? अब नेक्स्ट कह रहा है ये जनवरी 23 को बैंक ने इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे कट कर ली, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कट की जाती है यानी काटी जाती है, तो यानी एक्सपेंस हुआ तो जनवरी मई 23 बाय बैंक इंटरेस्ट 600 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। क्लियर? अब जनवरी 25 को कह रहा है कि रिसीव्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया, मीन्स ये हमारे लिए क्या हुई, कॉन्ट्रा एंट्री हुई। तो एंट्री क्या होगी कैश विड्रॉ करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक तो मतलब टू साइड में टू बैंक के नाम से, अपोजिट कॉलम यानी कैश में 3000 और बाय कैश और अपोजिट कॉलम यानी बैंक वाले कॉलम में 3000 रुपीज। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट है जनवरी 27, बीच में कई सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जनवरी 27 को बॉट गुड्स एट 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, हमने परचेज किया है गुड्स 2000 रुपए का, तो जनवरी 27 देखिए आप, मई 27 बाय परचेज 2000 रुपीज, 6% इसका इनपुट सीजीएसटी 120 इनपुट एसजीएसटी 120, क्योंकि परचेज पे हम इनपुट जीएसटी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है कि हमने एक साइकिल परचेज की अपने बेटे के लिए, ओनर ने, और जीएसटी इंक्लूड है, साइकिल बेटे के लिए परचेज की है तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो बाय ड्रॉइंग और 1500 रुपीस कैश वाले कॉलम में, यहाँ पे जीएसटी सेपरेटली नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि जीएसटी कितने रेट से है कोई इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है जनवरी मई 31 बैंक चार्जेस 500 एंड रेंट पर भी इनपुट जीएसटी है आपकी, तो देखिए बैंक चार्जेस 500 रुपीस, ठीक है, 6% की जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 30 रुपीस, इनपुट एसजीएसटी 30 रुपीस, ठीक है। सिमिलर हमने रेंट पे किया है 1000, इस पे भी 6% की 60 रुपीस सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। वीडियो वाले पार्ट में मैंने आपको बैंक चार्जेस पर जीएसटी शायद नहीं लगाई थी, तो आप इसमें लगा लीजिएगा क्योंकि बाय चांस मैं मिस कर गया हूं उसमें, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे कंप्लीट। अब आप करेंगे बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग आपको करने इसके लिए टोटल लगाना होगा, तो टोटल लगाएंगे तो आपको आपको क्या होना है, पहले आप कैश का लगाएंगे, कोई कैश का टोटल कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, तो देखिए सारे एक्सपेंसेस अगर आप ऐड करेंगे तो 17720, यही आपने यहाँ लिखा और इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस की तो बैलेंस आया 6008। मंथ की लास्ट डेट को या आप ये बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे 6008 रुपीज। अब देखिए बैंक में पहले से ही नेगेटिव बैलेंस था 25000 रुपीज का, तो 25000 का नेगेटिव बैलेंस और बाकी के ये इनकम टोटल क्रेडिट का ज्यादा है कितना 29680, और यही बैलेंस आप यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल डेबिट में 29160 और उसमें सारी इनकम जो इसमें और प्रीवियस आपको रिसीव हुई है उसमें सब आप इसमें लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 8280। ये भी लास्ट डेट को टू बैलेंस सीडी के नेम से लिखा जाएगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले महीने, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी के नाम से 8280 और जो ये बैलेंस निकल कर आया था ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर टू बैलेंस बीडी के नाम से 6008, क्योंकि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है और कैश का पॉजिटिव बैलेंस है।
सो ये इलस्ट्रेशन था आपका डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम विद जीएसटी ट्रांजेक्शन।